हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आप तो एमपीएससी ऑल द क्वेश्चन सीरीज सॉल्व करवा रहा हूँ। यह 17 अक्टूबर 2017 का क्वेश्चन है, पेपर है। इसके में मैं तो रीजनिंग के क्वेश्चन आप तो हल कर, यह इसका 15वां पार्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, आज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दिया गया है। अगर इसको ए पी क्यू आर एस टी यू ए वृत्ताकार बेंच पर बैठे हैं, जो आमने सामने मुंह किए हुए बैठे हुए हैं, तो पी क्यू के सामने बैठा हुआ, तो पी के सामने क्यू है, क्यू के लाई क्यू ला टी के लाए बैठा हुआ, तो टी यहाँ है, वो आर से बाय बैठा हुआ, आर यहाँ पे आ जाएगा, क्यू से लाए आर से बाय, पी और यू, पी यू से लाए और एस से बाय बैठा हुआ है, तो तो जो हमने सही आंसर आया था वो आया था तीन, क्या आया था यश तो विपरीत तुम बेहतर यश तो विपरीत ती बेहतर होता, आपका सही आंसर ती आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि खर्च बराबर हो जाए। तो दे तो 100% रेप भी है, 100% खपत भी। अब हमने जो मूल्य है उसमें बढ़ा दिया, पहले 11 था, अब मूल्य में कितना चेंज कर दिया 120, तो अब तो रेप कितना कम करना पड़ेगा, तो 5 और 6 एक का डिफरेंस आ रहा है, 6 पे आ रहा है 100 तार दे। तो जो आपका आंसर आया था वो आया था 6.6%, तो यह आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मट्टी के अंदर संरक्षित जल ठंडा होता है क्यों? छोटे छिद्रों से जल वाष्पी होता है, मट्टा ऊष्मा का अच्छा वितरण है, मत्ता जल की उष्मा अवशोषित कर लेता, मत्ते में उष्मा धरना क्षमता अधिक होती। तो इसका जो सही आंसर है वो फर्स्ट है, छोटे छिद्रों से जल वाष्पित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रोटेरियोज है, क्या है? एक पोते रियोग है सबसे प्राचीन बहु तोषिता जीव, एक तरफ फल एक जीव जिसको तोषिताओं में झिल्ली ग्रहण केंद्रित पाई जाती है, बहु तोषिता जीव। तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड आएगा, एक जीव जिसकी तोषिताओं में झिल्ली रहित केंद्रित पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 5 वर्ष पहले बलि और नीति की आयु 3/4 के अनुपात में होती है, 10 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात सी अनुपात 7 होता है, तो उनकी वर्तमान आयु 53। तो दे तो यहाँ बलि और दीता, बलि और दीता 3x and 4x। अब 5 वर्ष पहले कि 5 और 10 वर्ष बाद कि आयु होता है, अंतर कितना हो जाता है 7:8, तो 7:6। तो
तो अदर इसको अब हम सॉल्व करते हैं, तो 21 एस एन द 15, 15 साथ ही 105, 105 इक्वल टू 6 6 24 और 15 6 90, तो कितना डिफरेंट है। 3s और 3 तो इक्वल टू 15, तो ऐसे की मान 15 आ गया। तो क्या पूछ रहा है वो कि आयु का अंतर कितना होएगा, तो आयु का अंतर 3 यानी 15 और 20, तो अंतर हो जाएगा 5, अंतर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, दो संख्याओं का महत्तम और महत्तम समामावर्त एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 12 और 72 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 7 है तो दोनों संख्याओं में एक संख्या ज्ञात कर, एक संख्या तो दे तो 12 योग 7 है, तो 12 हो सकती है, यह हो सकती है 36 और 36 के बाद 48 और 60, यह तो नहीं होगी, यह भी नहीं होगी, तो दो संख्या कौन सी होगी, 24 और 36, जिनका एलसीएम 72 और महत्तम 72 और एलसीएम 12 आ रहा है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तुषिता शरण में भाग लेता है, तुषिता शरण में भाग लेता है, केंद्र क्लोरोफ्लाम माइक्रोतानी या राइबोसोम, तो तुषिया शोषण में भाग लेता है माइक्रोतानिया, क्या यूज आएगा माइक्रोतानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्युतीय चुंबक तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, गामा तरंग, हल्की तरंग, परावेदनीय आवर्त तरंग, तो इसका जो चुंबकीय विद्युत तरंग दैर्ध्य होता है वह आवर्त तरंगों का ज्यादा होता है, आंसर फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद पसीना में होता है, शुद्ध जल, फेरो फेरिक अम्ल अने फास्फोरिक एसिड, कैल्शियम फास्फेट एन वाटर, वाटर सॉल्ट एन वेस्ट मेटल, तो इसका जो सही आंसर आएगा वह आएगा लवणिक जल है अपशिष्ट पदार्थ, फोर्थ इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमें एक क्रम से जमाना है, चिकित्सा भूतान निर्दय रोग का निवारण दवाई, तो सबसे पहले क्या होगा, बुखार आएगा, तो दे तो दो दो में राइट, दो चीजों में तीनों में दो दो है ना, बुथार है, बुथार आने पर हम कहा जाएंगे चिकित्सा पा जाएगा, तो दो ये दे तो ये दो में चिकित्सक पा जाएंगे, तो ए ताएगा, तो आपका आंसर यही पता चल रहा है, तो सही आंसर थर्ड आएगा। नेक्स्ट, अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो शेयर, लाइक तो सब्सक्राइब और बेल आइकन तो जरूर क्लिक करना। आते लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।